हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फेस्टिवल एंड वेंडिंग सीजन आने ही वाले हैं और स्पेशली दिवाली पर जब तक हम कोई एथनिक ड्रेस नहीं पहन लेते तब तक दिवाली की फीलिंग्स आती ही नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये चल रहा है कि इस दिवाली आप ऐसा क्या पहने कि कुछ डिफरेंट लगे, तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए इस वीडियो में मैंने दिवाली ड्रेसेस के कुछ ऑप्शंस रखे हैं। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। मैंने इनमें अधिकतर ब्राइट्स कलर ही रखे हैं क्योंकि दिवाली पर ब्राइट्स कलर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने सूट्स के वो ऑप्शंस रखे हैं जिन्हें आप किसी भी बुटीक या ट्रेलर से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आसानी से कस्टमाइज करवा सकते हो। अगर आप हमारी लुक नंबर 3 को कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो इसके लिए आप येलो कलर का सिंथेटिक फैब्रिक खरीद कर उसकी एक लॉन्ग कुर्ती अपने लिए बनवा सकते हो और उसके साथ पेयर कर सकते हो मल्टी कलर दुपट्टा। अपने दुपट्टे को और ज़्यादा स्टाइलिश और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप इस पर मल्टी कलर टेसल्स की लेसेस लगवा सकती हैं। हमारी लुक नंबर 4 को क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिल्क के फैब्रिक की। इससे आप अपने लिए कमीज़ और प्लाजो तैयार करवा सकती हैं और उसे मैच कर सकती हैं बनारसी दुपट्टे के साथ। हमारे डिज़ाइन नंबर 5 को अगर आप क्रिएट करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पेल येलो फैब्रिक की। इससे आप अपने लिए कुर्तीज़ बनवा सकती हैं और उसे मैच कर सकती हैं चंदेरी रेड कलर के दुपट्टे के साथ। गाइस, येलो कलर में भी अब कई डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं और यह कलर भी फेस्टिवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा कलर है। आप अपने लिए ऐसा सेम पैटर्न की ड्रेस भी तैयार करवा सकती हैं। इसे मोनोक्रोमेटिक पैटर्न भी के नाम से भी जाना जाता है। लुक नंबर 7 अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इसे कस्टमाइज करवाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी चॉइस के बंदेज फैब्रिक की। इससे आप अपने लिए कुर्ती और प्लाजो दोनों तैयार करवा सकती हैं और इसे मैच कर सकती हैं अपनी सलवार कमीज के कलर के दुपट्टे के साथ। लुक नंबर 8 को आप दुपट्टा और विदाउट दुपट्टा दोनों तरह से वियर कर सकती हैं और इसे मैच कर सकती हैं चूड़ियाँ या बेंगल्स के साथ। और हाँ, बेंगल्स से याद आया, मैंने झुमकी बेंगल्स का एक वीडियो अपलोड किया है तो मेरे चैनल पे जाके उसे आप चेक कर सकते हैं। लुक नंबर 9 में पेपलम कुर्ती को शॉर्ट प्लाजो के साथ पेयर किया गया है। यह कॉम्बिनेशन भी फेस्टिवल सीजन के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपको पंजाबी ड्रेसेस पसंद, लुक नंबर 10 को क्रिएट कर सकते हैं। आप डार्क ग्रीन कलर से अपने लिए और कमीज तैयार करवा सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं फ्लावर दुपट्टे के साथ। मैंने सेम कलर के 2 ऑप्शंस रखे हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने लिए तैयार करवा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उन गर्ल्स की जो सूट पहनना पसंद नहीं करती हैं लेकिन कुछ एथेनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो वो इस टाइप की कंफर्टेबल कुर्तीज पहन सकती हैं और उनके बैक नेक को टेसल्स की हेल्प से डिजाइंस करवा सकती हैं। यह बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। इसके भी मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं और आप इन कुर्तीज को प्लाजो के साथ भी वियर कर सकते हो। अब आगे के ऑप्शन उन गर्ल्स के लिए हैं जो अपने लिए कुछ रेडीमेड परचेज करना चाहती हैं। तो आगे के ऑप्शन से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इस दिवाली किस टाइप की ड्रेस अपने लिए सेलेक्ट करनी है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
highways till my shadow turns to sun rays and I